आज हम बात करेंगे कुछ घरेलू उपाय के बारे में, होम रेमेडीज के बारे में, जो किडनी के पेशेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि किडनी से जुड़े रोगों का क्या क्या घरेलू उपाय हम कर सकते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ घरेलू उपाय के बारे में, होम रेमेडीज के बारे में, जो किडनी के पेशेंट्स कर सकते हैं। आजकल खराब लाइफस्टाइल और खान पीन की वजह से किडनी की बीमारी जो है वो बहुत कॉमन होती चली जा रही है। किडनी ही है जो शरीर से टॉक्सिन्स और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। ऐसे में कई बार किडनी में गंदगी जमा होने लगती है, जिससे किडनी से जुड़े कई रोग जो है वो परेशान करने लगते हैं। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि किडनी से जुड़े रोगों का क्या क्या घरेलू उपाय हम कर सकते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए घरेलू उपाय के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कॉलीफ्लावर, यानी कि फूल गोभी। बता दें, फूल गोभी में विटामिन के, फाइबर, फोलिएट, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ऐसे में इसे किडनी रोग के दौरान डाइट में शामिल किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं। हफ्ते 10 दिन में एक बार आप इसे कम मात्रा में सेवन कर सकते हैं। वही किडनी रोग में बेल पेपर, शिमला मिर्च का भी खा सकते हैं। इसमें विटामिन ए और सी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, साथ ही में इसमें पोटेशियम की भी कम मात्रा होती है। ऐसे में इसे खाने से किडनी को ज़्यादा खराब होने से बचाया जा सकता है। ये भी आपको अगेन कम मात्रा में ही सेवन करनी है, हफ्ते 10 दिन में आप एक बार ही ले सकते हैं। वहीं आप अगर क्रैनबेरी को देखें तो किडनी रोग के दौरान इसे कम मात्रा में सेवन कर सकते हैं। इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने और किडनी इन्फेक्शन से निजात दिलाने वाले गुण मौजूद होते हैं। वहीं इसमें पोटेशियम, फॉस्फोरस, सोडियम की मात्रा भी बहुत कम होती है। ऐसे में इसे खाने से किडनी की समस्या में आराम मिल सकता है। वहीं प्याज को भी किडनी रोग में अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि प्याज में विटामिन सी, मैंगनीज, विटामिन बी और फोलेट मौजूद था। इसमें कुछ प्रोबायोटिक फाइबर भी होते हैं। प्याज को खाने से किडनी रोग की समस्या में बहुत आराम मिल सकता है। वहीं किडनी रोग के दौरान आप ऑलिव ऑयल को भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस नहीं होता, वहीं इसमें अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, जो आपकी किडनी की हेल्थ के लिए ठीक होता है। वहीं ऑलिव ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और ओलिक एसिड भी मौजूद होता है। इस तेल का आप किडनी रोग के दौरान सब्जियां बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल आपकी किडनी के लिए अच्छा साबित होगा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में जाना कि किडनी रोग को केवल कुछ ही दिनों में किस तरीके से घरेलू उपाय कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, क्या अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे में इन घरेलू उपायों को करके आप ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं और आप अपनी किडनी को की हेल्थ में भी सुधार पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप नीचे किडनी से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। नमस्कार।